बाद अगर बात करें तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आपने ये स्क्रीनिंग टेस्ट इनका दिया, उसमें आप क्वालिफाइड हो गए, आपका स्कोर कार्ड आपको मिला, ठीक है। स्कोर कार्ड मिलने के बाद इनकी वैकेंसी आउट होती है, तो वहां पर आप जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा और कंप्यूटर का आपका नॉलेज चेक की जाएगी, ठीक है। तो उसके उसमें क्या होता है कि सेटिंग वगैरह पहले से ही कई बार होती है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे सेटिंग से ही जाते हैं, कईयों का होता है बिना सेटिंग के भी होता है, कई लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर यहाँ पर चलता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद बात करें एज की, तो एज आपका 40 इयर्स है, ठीक है, और फ्रेशर के लिए, और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके लिए 57, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम है उसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी ऑल ऑफ सारी अगर कंक्लूजन निकालूं तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी